केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके माध्यम से सूचना दी गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके द्वारा इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी इत्यादि जितने भी कोर्स हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जो फीस वगैरह है, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा और आप इसको वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पब्लिक नोटिस है, यह 6 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है सरकार के द्वारा। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022, है ना, 2022 में, 2022-23 सत्र के लिए जो एडमिशन होने वाला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उसके लिए नोटिस है। देखते हैं क्या लिखा है। इन परसुएंस ऑफ द UGC पब्लिक नोटिस डेटेड 21 मार्च 2022, 21 मार्च 2022 का एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था। इसके द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। यह टेस्ट आयोजित किया जा रहा है CUET UG 2022 फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023। मतलब एक कॉमन एडमिशन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है 2022 और 2023 सत्र के लिए। देखते हैं और आगे क्या है। CUET UG 2023 विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अभी एक सिंगल विंडो सिस्टम है, मतलब एक ही विंडो के द्वारा आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। यह कॉमन टेस्ट रहेगा, एक ही टेस्ट आपको देना पड़ेगा और जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहाँ पर अगर परसेंट अच्छा है तो आप एडमिशन ले पाएंगे। CUET UG 2022 इज अ बुके ऑफ टेस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस में यह टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, कि आप BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं और BSc, BA, BCom इत्यादि जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और भी अदर कोर्सेज होंगे उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। एक ही बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन सिलेक्ट एनी वन आर मोर ऑफ द टेस्ट ऑफर्ड अंडर CUET 2022, है ना। मतलब आप वन आर मोर ऑफ द टेस्ट ऑफर, कई प्रकार के टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं वो आप इसके द्वारा वो टेस्ट दे सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज वेयर एडमिशन इज सॉट। जहां पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उसके आधार उसके लिए आप एक ही टेस्ट के द्वारा आप टेस्ट दे सकते हैं, एक ही कॉमन पोर्टल के द्वारा। द CUET UG 2002 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। 13 भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है। द CUET UG 2022 विल बी हेल्ड इन 547 सिटीज विद इन इंडिया। भारत के 547 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी एंड 13 सिटीज आउटसाइड इंडिया। और भारत के बाहर 13 जो शहर हैं, 13 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और विदेशों में कौन कौन से शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके बारे में जानकारी नीचे दिया गया है। अभी हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हमको कैसे जमा करना है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जमा करना है आपको? 6 अप्रैल 2022 से 6 मई 2022 को शाम को 5 बजे तक। तो एडमिशन शुरू हो चुका है, या यहाँ पर जो अप्लाई करना है उसके लिए आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? 6 अप्रैल 2022 से लेकर 6 मई 2022 को शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम, इन माध्यमों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फीस जमा कर सकते हैं।
किसके माध्यम से? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से और यूपीआई, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से। फीस जमा करने की आप लास्ट आखिरी तारीख क्या है? 6 मई 2022 को 11:50 PM तक, है ना। रात को 11:50 मिनट तक आप फीस जमा कर सकते हैं 6 मई 2022 तक। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, आपने जो विवरण भरा है अपने एप्लीकेशन में, यदि आप कुछ गलती कर लेते हैं, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए तिथि बाद में घोषित की जाएगी वेबसाइट में। कई बार फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक मौका और दिया जाएगा। और इसको टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट आप देखते रहिए, आपको लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। फी पेएबल, कितना फीस पेमेंट करना है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटर्स इन इंडिया, फीस इंडिया में कितना सेंटर है। परीक्षा 2 स्लॉट में होगा, मॉर्निंग स्लॉट सुबह के टाइम में और स्लॉट 2 आफ्टरनून सेकंड हाफ में। परीक्षा 2 सेशन में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट सेशन में जनरल या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 650 रुपये फीस है। और विदेश विदेश में जो सेंटर है, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, फीस 3,000 रुपीज़। अगर आप विदेशों के सेंटर से एग्जाम दे रहे हैं, आपको 3,000 देना पड़ेगा। वैसे ही सेकंड हाफ में भी आपको जनरल कैटेगरी में 650 रुपये और आउटसाइड इंडिया 3,000 रुपये आपको देना है। और जनरल और ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर, इन सब कैटेगरीज आपको वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा वेबसाइट में। इनके लिए 650 रुपये फीस इंडिया में और बाहर 3,000 ही है। इनके लिए यहाँ फिर 600 रुपये है, बाहर 3,000 सबके लिए है। विदेशों में जो भी परीक्षा देंगे उनके लिए 3,000 रुपये फीस है। इसके बाद जो SC ST वगैरह कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर वगैरह के लिए, तो इनके लिए 550 रुपये फीस है इंडिया में, बाहर विदेशों में 3,000 रुपये फीस है। सेकंड दूसरी पाली के लिए भी 550 रुपये फीस है, विदेशों में जो है उनके लिए 3,000 रुपये है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST आर टू बी पेड बाई द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। इसमें जो भी GST वगैरह लगेगा ये फीस पटाने के दौरान, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, साथ में मतलब पे करना पड़ेगा खुद को। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। आपके परीक्षा का सेंटर क्या होगा वह बाद में वेबसाइट पर दिया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो वेबसाइट है, ये जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट, इस परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो यह क्या लिखा है इसमें, टू बी अनाउंस्ड अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। इसे भी बाद में वेबसाइट पर दिया जाएगा। आप पेपर नियमित रूप से देखते रहें और वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें, NTA की वेबसाइट को। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, स्लॉट 1 पहली पारी में क्या होगा, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का एग्जाम होगा। 3 घंटा 15 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, 195 मिनट की परीक्षा होगी। और दूसरा है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, दूसरी पाली में भी वही परीक्षा का स्लॉट है, 3 घंटा 15 मिनट, नहीं दूसरी पाली में आपको देना है 3 घंटा 45 मिनट, मतलब 225 मिनट दूसरी पाली में एग्जाम आपको देना है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, परीक्षा का समय बाद में आपको दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ संपर्क करना है, कुछ आपको परेशानी आ रही है, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट का पता ऑलरेडी दिया हुआ है ना, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर और ईमेल भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दिया हूँ। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ कंडक्टिंग परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा हमारी परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी, देखते हैं। मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन जैसे एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगी, मैनुअल परीक्षा नहीं होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। पैटर्न ऑफ टेस्ट, किस टाइप का पैटर्न होगा एग्जाम का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको, 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन सही रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ द टेस्ट, परीक्षा का सेंटर क्या होगा, तारीख क्या होगी, शिफ्ट क्या होगा, एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में यह सारी बातें लिखी रहेंगी। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज,
टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। आपने जो रिस्पांस वहां पर परीक्षा में जो भरा है, जो उत्तर भरा है, और उसका जो आंसर की आएगा, मॉडल आंसर की, वह बाद में वेबसाइट में डिक्लेयर किया जाएगा। वेबसाइट क्या है? इन सारे कामों के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, www.nta.ac.in या https://cuet.samarth.ac.in। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इस परीक्षा की के परिणामों की घोषणा कब होगी? टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पर इसके परिणामों की घोषणा की जाएगी। और नीचे देखिए, ओबीसी एनसीएल अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, यहाँ पर इनकी वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन दिस लिस्ट अवेलेबल, कैंडिडेट्स फॉलिंग मतलब इस लिस्ट में जो आने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन द कैटेगरी कॉलम स्टेट लिस्ट ओबीसी, अलग अलग स्टेट में ओबीसी एनसीएल का जो लिस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी यूजी 2022 इन द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट https। ये जो वेबसाइट जो है यहाँ पे पता दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पर जाकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन। इसके बाद द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और किसी प्रकार से आप अप्लाई करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। सभी कैंडिडेट के द्वारा केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। एक अभ्यर्थी के द्वारा, एक कैंडिडेट के द्वारा केवल एक ही एप्लीकेशन आपको जमा करना है। ओनली वन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सूचना पत्रक में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो जानकारी दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है जिसका पता आपको ऊपर दिया गया है, केवल इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिसक्वालीफाइड। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं इन दोनों जगहों पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तब आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन आर ऑफ देयर पेरेंट्स गार्डियंस ओनली एस ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एनटीए ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और बाय वे ऑफ एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। जो भी आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं, या तो वह आपका खुद हो, खुद का मोबाइल नंबर हो, या फिर आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो, और ईमेल का पता भी या तो वह सेम का ईमेल का पता हो या आपके पेरेंट्स का या गार्डियन का ईमेल का पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो भी सूचना आपको भेजी जाएगी इन्हीं ईमेल पतों पर और इन्हीं मोबाइल नंबर्स पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई गलती ना होने पाए। जब आपको करेक्शंस का मौका मिलेगा तो जरूर वहाँ कुछ गलतियाँ हो गई तो वहाँ जाकर सुधार लें। और आप यह जरूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अपियर इन सीयूईटी यूजी 2022 में सी द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरा डिटेल्स देख लें। मैं तो सजेस्ट करूंगा तो आप यहाँ पर जरूर जाएं और यहाँ से पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। मैं आपको यहाँ पर सामान्य जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाए और आप इसमें अप्लाई कर सकें, या जो एग्जाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसके लिए पहले से अलर्ट हो सकें। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन इज अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। जो जो इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं इस एग्जाम में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस जो शामिल हैं, वो यहाँ पर जाकर इनका लिस्ट आप देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेयर दे इंटेंड सीकिंग एडमिशन। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ की वेबसाइट पर जाकर आप उनके कोर्सेस देख सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज वहाँ पर हैं, आपके लायक है कि नहीं। फॉर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय देम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या पात्रता के लिए क्या क्या जरूरी है, रिजर्वेशन, किनको रिजर्वेशन मिल रहा है। टेस्ट इन सीयूईटी 2022 विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द डिजायर्ड कोर्सेज, है ना, किन कोर्सेज के लिए वहाँ पर आप पात्र हैं जिसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, उनकी एडमिशन पॉलिसी क्या है एटसेट्रा। And ensure that they fulfill the eligibility criteria before they apply for CUET UG 2022. मतलब आप किसी भी कोर्स के अप्लाई के लिए अप्लाई करते समय पहले आप देख लें
कि आप उस फॉर्म को भरने के पात्र हैं कि नहीं, उस कोर्स में एडमिशन लेने की पात्रता आप में है कि नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना। फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू सीयूईटी यूजी 2022 कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेक्ट, ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ईमेल भेजकर भी आप cvut-ug@nta.ac.in यहाँ पर भी आप मेल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आइटम है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये संपर्क सूत्र है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, वेबसाइट का पता दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी NTA लिखेंगे तो इंटरनेट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, यह एडवर्टाइजमेंट भी वहीं से आया हुआ है। जो इंडिया से बाहर जो कैंडिडेट्स एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या सिटीज़ में अवेलेबल है, किन कंट्रीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बहरीन में मनामा में दे सकते हैं, मनामा में सेंटर रहेगा, श्रीलंका में कोलंबो में, कोलंबो शहर में रहेगा सेंटर, कतर में दोहा में रहेगा, यूएई में दुबई में रहेगा, इंडोनेशिया में जकार्ता में रहेगा, नेपाल में काठमांडू में सेंटर रहेगा, मलेशिया में कुआलालंपुर में रहेगा, कुवैत में कुवैत सिटी में रहेगा सेंटर, नाइजीरिया में लागोस या अबूजा में रहेगा, ओमान में मस्कैट में रहेगा, मस्कैट, सऊदी अरबिया में रियाद में रहेगा, और यूएई में शारजाह में रहेगा, और सिंगापुर में रहेगा। तो ये बाकी आप यहाँ पर यह संपर्क सूत्र हेल्पलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी मैं आपको वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। मैं चाहता हूँ कि आप सब जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन ले पाएँ, और आप सबकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ही मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।